वेलकम बैक। इस टॉपिक में हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन देखेंगे। तो ये जो हैलोजन हैलोजन से कंपाउंड बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो होता क्या, कहने का मतलब ये है कि I2 will react with other halogen such as F2 to form interhalogen compound, let's say IF3। मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड। सो देखो अपने पास कौन कौन से हैलोजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सो देखो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बना है इसका फॉर्म होगा ए बी एन, ये आपका हैलोजन होगा, ये भी हैलोजन होगा। पर ध्यान रहे ये जो होगा ये आपका लार्जर हैलोजन होगा, दिस विल बी लार्जर हैलोजन, और ये जो बी है ये आपका स्मॉलर हैलोजन होगा, स्मॉलर हैलोजन। अब देखो अगर मैं इसको फ्लोरीन बोल देता हूं तो फ्लोरीन से स्मॉलर हैलोजन कोई है, तो फ्लोरीन से स्मॉलर हैलोजन नहीं है, तो यहां पर इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों, ये फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन किसे स्मॉलर हैलोजन तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं बनेगा, फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होगा। अब देखो क्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन किसके साथ बना सकता, क्लोरीन सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा ना, मतलब ये बनेगा क्लोरीन रहेगा और ClF3 बनेगा, बन सकता है ना ClF3, ClF भी बनता है। अब ClF5 बनेगा तो नहीं बनेगा, अभी समझ में आ जाएगा मैं 5 से क्या मतलब करता हूँ। ब्रोमीन किससे बनाएगा, ब्रोमीन इससे भी बना सकता है, इससे भी बना सकता है, तो ब्रोमीन क्लोरीन से ही बनाएगा, फ्लोरीन से ही बनाएगा, तो ब्रोमीन क्या बना सकता है, बी आर एफ, बी आर एफ थ्री एंड बी आर एफ फाइव। ठीक है, आयोडीन क्या बनाएगा, आयोडीन आपका बहुत सारा बनाएगा, आई एफ, आई एफ थ्री, आई एफ फाइव एंड आई एफ सेवन। आयोडीन ब्रोमीन से बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, आयोडीन क्लोरीन से बनाएगा तो बिल्कुल बनाएगा। देखो लार्जर हैलोजन कैन फॉर्म इंटर हैलोजन विद स्मॉलर हैलोजन। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन अगर बनाता है फ्लोरीन के साथ तो n का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल इज 3, तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 होता है, यहाँ n का हाईएस्ट पॉसिबल 5 होगा, यहाँ n का हाईएस्ट पॉसिबल 7 होगा। क्लियर है, तो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं किसके किसके बीच में, अ लार्जर हैलोजन है ना स्मॉलर हैलोजन। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में अपने को इतना ही पता रखना है क्लास 12 के लेवल पे कि कौन क्या बनाता है। याद रखेंगे फ्लोरीन बाकी के साथ बनाएगा, फ्लोरीन खुद सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, मतलब फ्लोरीन को बाकी लोग सराउंड नहीं करेंगे, फ्लोरीन बाकी लोगों को सराउंड करेगा। ए बी एन, ए हैज टू बी लार्जर एंड जो मल्टीपल है जिसका नंबर ज़्यादा है दैट हैज़ टू बी स्मॉलर हैलोजन। ठीक है, थैंक यू।